लाख टके का एक सवाल, आखिर गौ मास का व्यापारी कौन? रीवा शहर के कचरा घर कोस्टा ग्राम से कचरा फेंक लौट रहे ट्रक से बोरों में भरा मास बरामद, कांग्रेसी पहुंचे थाने, किया घेराव। घटना शुक्रवार देर रात की। शहर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब रीवा शहर से लगे हुए ग्राम कोस्टा में, जहां पर शहर भर का कचरा फेंका जाता है, कचरा फेंक कर लौट रहे ट्रैक्टर से बोरों में भरा मास ग्राम कोस्टा के लोगों ने पकड़ लिया। गांव वालों ने तुरंत अपने विधायक को फोन किया। विधायक घटना की सूचना पाकर तुरंत पहुंचे, ट्रैक्टर को रीवा लाकर सिटी कोतवाली में खड़ा करवा दिया गया। वहीं कांग्रेसी दूसरे थाने यानी सिटी कोतवाली पहुंच गए। धीरे धीरे थाना कांग्रेसियों से भर गया। चुनावी साल में कांग्रेसियों के हाथ में एक ऐसा मुद्दा जिसे भाजपा ही अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे थे। कांग्रेसियों का कहना था, गौवंश रक्षा एक दिखावा है, इनका असली कारोबार यही है, ये बरसों से चला आ रहा है। पुलिस प्रशासन तत्काल प्रभाव से सभी तथ्यों की जांच कराए, इसमें नगर निगम के छोटे से लेकर नगर निगम के आला अफसर भी शामिल हैं। कांग्रेसियों ने पुलिस प्रशासन को शनिवार सुबह 11 बजे तक का समय दिया है, अगर तब तक तत्काल प्रभाव से सभी तथ्यों की जांच कर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वो 11 बजे के बाद एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। विधायक जी बैठे हैं, एसपी साहब का पता नहीं है, एडिशनल साहब का पता नहीं है। नहीं, ये सब बाहर हैं, तो फिर सभी लोग बाहर हैं। अलमारा लेकर गए, काट डाले, बीमार लेकर गए, काट डाले, धंधा बना दिया वहाँ पर। भाई साहब ये बताइए, ये बड़ा विषय इसलिए है, सरपंच है लड़के हैं जिन्होंने पकड़ा है ये सब। ये हम लोग फोन लगाते हैं तो जिंदा जानवर लेकर जाते हैं, जिंदा मतलब मरा हुआ सबूत। आज कोस्टा गांव के और आसपास के लोगों ने नगर निगम के ट्रैक्टर में 3 से 4 बोरी मांस कटी जिले जा रहे थे, वहीं से क्या नाम से जो कोस्टा में ये कचड़ा इकट्ठा करने का जो प्लांट है वहां से काट के शहर के बीच से ले जा रहे थे। जनता ने उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद जब उनको रोका तो पुलिस को जानकारी हुई, पुलिस वाले वहां आए और उसको उसकी लाश को उनके मांस को ले गए, अपने थाने में ले गए सिटी कोतवाली में। हमारा ये कहना है कि ये मांस का गोरख धंधा हमारे शहर में कई वर्षों से चल रहा है और नगर निगम के अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं। वो ट्रैक्टर्स भी नगर निगम में, जिस पर लिखा है कि नगर निगम रीवा, उसमें गाय की मांस हो सकती है, जान बैल का हो सकता है, बकरी की, किस जानवर की हो सकती है भगवान जाने, और वो बाजार में बिक रहा है, उससे पैसा तो मिल रहा है। नहीं, क्यों मांस इकट्ठा करेगा? अगर कोई आदमी पैसा नहीं मिल रहा तो क्यों इकट्ठा करेगा? तो इसमें नीचे से लेके लेबर से लेके गरीब आदमियों से लेके नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और मुझे ये एक और शंका है कि गौ संरक्षण के नाम पर जो ये गांव को इकट्ठा करके ये अपने लक्ष्मण बाग, क्या नाम है इसका, गौशाला, गौशाला के नाम पर जो इन्होंने ये गोरख धंधा रीवा जिले में चलाया है, वहां की गाय भी ये ले जाते हैं और वहां इकट्ठा करके काटते हैं, फिर उसका मांस ये बिकवाते, क्योंकि इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ट्रैक्टर में कुछ इस तरह की सूचना है, ट्रैक्टर को पकड़ लिया गया है और उसके चालक, उसके साथ एक व्यक्ति, उसे पकड़ा गया है। उसकी जांच के उपरांत ही उसमें जो स्थिति बनेगी कार्रवाई करेंगे। अभी जानकारी मिली है, मैं देख लेता हूँ, अभी मैं देख नहीं पाया। वो निष्पक्ष कार्रवाई के लिए, इसमें निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, यही मांग है उनकी। अभी जांच करवाते हैं, फसल को बुलवा रहे हैं डॉक्टर को, पशु चिकित्सक को बुला रहे हैं, उनसे जाँच कराएंगे, जब्ती कराएंगे और बाहर ही भेजेंगे जाँच के लिए, ये क्लियर करने के लिए कि किस चीज़ का है, वो जांच का विषय। अभी 2 लोग हैं अभी रक्षा में, उनसे पूछताछ करेंगे।